हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग दिखाएंगे इंडक्शन में कैसे हम लोग राइस बना सकते हैं। तो देखिए, एक प्रेशर कुकर मैंने लिया एंड उसमें चावल और पानी दे दिया। तो चावल और पानी का रेशियो है 1:3, एक कप चावल में 3 कप पानी। देखिए, मैं प्रेशर कुकर को बंद कर लिया एंड चावल भिगा हुआ है 15 से 20 मिनट। तो इंडक्शन को मैं ऑन करता हूँ। एंड बिफोर गोइंग टू द मेन टॉपिक, मेरा हर बार ये रिक्वेस्ट रहता है, मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। सो इंडक्शन ऑन है, मैं फंक्शन दे दिया, ये छोटा प्रेशर कुकर है, सो 1000 वाट में सेट किया। तो अभी 2 हुसल आने दीजिए। एक हुसल आया, बस 2 हुसल हो गया। तो अभी मैं इंडक्शन बंद कर रहा हूँ। तो बंद करने में 3 हुसल आ गया। तो अभी पूरा प्रेशर रख देंगे एंड उसके बाद देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, इंडक्शन बंद हो गया एंड ये हुसल आ गया 4 से 5 मिनट के अंदर। गैस में ये हुसल आने में 7 से 8 मिनट तो लगभग लगती है, तो गैस से थोड़ा सा जल्दी होता है इंडक्शन में। तो इंडक्शन बंद है, तो मैं अभी कुकर को जस्ट उठा के गैस पर छोड़ देता हूँ, क्योंकि पूरा प्रेशर मुझे रखना है। तो देखिए, प्रेशर निकल गया। तो कुकर खोल के स्टार्च को स्ट्रेन करके ऐसे राइस हुआ है, कितना सुंदर हुआ है। तो बहुत जल्दी हो जाता है, तो आप लोग ज़रूर ये फॉलो कीजिए। नेक्स्ट कोई एक वीडियो लेके हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।